नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम साहिद खनाक अब्बासी को भी कोरोना हो गया है और बताया जा रहा है कि फिलहाल वे अपने घर पर ही आइसोलेशन में हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 1,00,000 के पार हो गई है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर चीन ने कहा है कि वह भविष्य में कोरोना की वैक्सीन के परीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा। गौरतलब है कि दुनिया में कोरोना का सबसे पहला मामला चीन से ही आया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि बैठक में सुरक्षा समीक्षा की गई और इस दौरान चीन के साथ LAC पर स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई। ईडी ने यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में मुंबई में वैश्विक पर्यटन और यात्रा कंपनी कॉक्स एंड किंग के 5 परिसरों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि कॉक्स एंड किंग यस बैंक के शीर्ष कर्जदारों में से एक है। इस कंपनी को बैंक ने 2260 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने पार्टी विधायकों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य नेताओं के अनुरोध पर कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि 19 जून को 7 राज्यों के 18 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है, जहां उन्हें हल्का बुखार, गले में खराश की शिकायत है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल फिलहाल अपने घर पर आइसोलेट हो गए हैं और उनकी कोरोना जांच कल होगी। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा मामले को लेकर AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सेना और पीपल्स लिबरेशन पार्टी एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार को देश को बताना चाहिए। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक PM नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष भारतीय गणमान्य लोगों को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले विशेष रूप से निर्मित B777 विमान सितंबर तक बोइंग द्वारा एयर इंडिया को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए आज कर्नाटक से अपने उम्मीदवारों के रूप में इरन्ना करारी और अशोक गस्ती के नाम की घोषणा की है। आपको बता दें कि 7 राज्यों की लंबित 18 राज्यसभा सीटों को भरने के लिए 19 जून को चुनाव होंगे। कांग्रेसी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में घेरते हुए उनकी तुलना मध्य प्रदेश में हुए व्यापम से की और कहा कि मेहनत करने वाले युवाओं के साथ गलत नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन बिल 2020 को समाज के गरीब तबकों और किसानों के लिए अहितकर बताया है। इसके साथ ही उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय विद्युत राज्य मंत्री RK सिंह को पत्र लिखकर इस संशोधित बिल को फिलहाल स्थगित करने का आग्रह किया है। दिल्ली के अस्पतालों में केवल दिल्ली वासियों का इलाज किए जाने वाले फैसले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां पूरे देश के लोग अपने जरूरी कार्यों से आते रहते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाए तो दिल्ली सरकार ये कहकर उसका इलाज नहीं होने देगी कि वह दिल्ली का रहने वाला नहीं है। यह गलत है और केंद्र सरकार को इसमें दखल देने की जरूरत है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए उनकी सरकार की तैयारियां पुख्ता है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे खुद को, परिवार और राज्य को बचाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों और रोक का सख्ती से पालन करें। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए आज CM शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर का दौरा किया, जहां इस दौरान उन्होंने राज्य में कोरोना से उत्पन्न हुए स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में समीक्षा बैठक की। लॉकडाउन में राहत और शेयर बाजार में रिकवरी का असर विदेशी निवेश पर भी देखने को मिला है, जहां जून के पहले सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में 18,589 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है। DTH कंपनी टाटा स्काई ने ग्राहकों को झटका देते हुए 25 फ्री टू एयर चैनल को हटा दिया है। आपको बता दें कि इसमें न्यूज एक्ट, न्यूज 7, तमिल, इंडिया न्यूज, राजस्थान जैसे फ्री टू एयर चैनल शामिल हैं। एक रिसर्च के अनुसार केले में यनुलिन पाया जाता है जो कब्ज को दूर करता है। इसके साथ ही केले का सेवन करना वजन कम करने और डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी सहायक होता है।
केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि खेल गतिविधियां जल्द से जल्द शुरू हों और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीने में हम कुछ स्पर्धाओं के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके साथ ही रिजिजू ने कहा कि खिलाड़ियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। बॉलीवुड अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया आज अपना 63वां जन्मदिन मना रही है, जहां इस मौके पर उनके फैंस सहित बॉलीवुड के सितारों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बॉलीवुड के प्रख्यात लेखक और गीतकार जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किए गए हैं, जहां उन्हें यह अवार्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते मिला है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।